नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मीडिया पे। कॉम्पिटिटिव में सीबीआई का पूर्वानुमति का प्रावधान, प्रोविजंस फॉर प्रियर अप्रूवल। पीठ ने आगे कहा था, एक डिसीजन दिया था इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने अपना विचार दिया था। उसके बाद से अब पीठ कह रहा है कि सेक्शन 6 से, धारा 6 से है, इसका प्रावधान, धारा 6 से का प्रावधान है कि भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों, अगर आपने अभी तक कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। पीठ ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसने कहा कि धारा 6 से का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को, पकड़ने का मतलब उनके भ्रष्टाचार को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है। क्या करता है? पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। क्या करता है? संवैधानिक पीठ ने कहा कि धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है। ये जो धारा 6A में दिया गया प्रावधान, क्योंकि बिना केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकते, मतलब यही ये प्रावधान धारा 6A में दिए थे कि आप उनके बिना पूर्वानुमति के, बिफोर प्रियर अप्रूवल, आप नहीं उस प्रोसीड कर सकते उस इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की, और गहन जांच तो बाद की बात है कि आप करें, गहन जांच तो बाद की बात है, मतलब प्रारंभिक जांच भी आपको और करना है सीबीआई को, किसको? केंद्रीय जांच ब्यूरो को। अगर प्रारंभिक जांच भी करनी है तो अकॉर्डिंग टू द धारा 6 से, प्रोविजंस ऑफ धारा 6 से, सेक्शन 6 से क्या कहता है कि भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिना यूनियन के पूर्वानुमति के, प्रियर अप्रूवल के, आप किसी भी प्रारंभिक जांच को नहीं कर सकते किसी भी सीनियर ऑफिसर के खिलाफ। तो आपके लिए गहन जांच करना तो दूर का सपना है, बाद की बात है, ये इसी चीज को डिक्लेरिफाई करता है। धारा 6A के अंतर्गत, धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। देखिए बहुत ही सुंदर बात कही सीजीआई ने कि भ्रष्ट आदमी को बचाने की प्रवृत्ति है धारा 6 से, पीठ ने आगे कहा कि धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार की, बिना केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकती, और गहन जांच तो बाद की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है, एक ऐसा प्रोसीजर है कि भ्रष्ट आदमी बचता रहे, क्योंकि आप उसके लिए पहले केंद्र सरकार के पास जाएंगे पूर्वानुमति के लिए, प्रियर अप्रूवल असाइन कराने आप जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास,
हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर अप्रूवल ना दे उस वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ। तो यहां पर क्या है, आपके अधिकारों का, आपके स्वतंत्रता का, आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का ये क्या किया गया है, इसको भ्रष्टों को बचाने की प्रवृत्ति के लिए ऐसे प्रवृत्त नियमों का संश्लेषित प्रारूप प्रस्तुत किया गया है धारा 6A के अंतर्गत। इसलिए धारा 6A नहीं होनी चाहिए, नया प्राविधान यहां पे ऐड करना चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आगे इस बात को कहा दोहराकर कि संवैधानिक पीठ ने पहले कहा था कि डीएसपी एक्ट की धारा 6 क्योंकि दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है, ये ऐसी धारा बनाई गई थी कि किसी कारणों से वो सुरक्षा दे रहा है कि सीधे सीधे नुकसानदेह प्रवृत्ति का है ये। और ये पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को वीक करता है, कमजोर बनाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घुसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं, वो पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाइयां होंगी, केवल इस कारण से कि उनमें से कनिष्ठ अधिकारी हो और दूसरा वरिष्ठ अधिकारी। उसके बाद फिर पुनः कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पुनः रिवाइज करते हुए एक बात को और ऐड किया कि धारा 6 का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, रोकता है, रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ द कैप्चरिंग सच टाइप ऑफ ऑफिसर्स। बट क्योंकि बिना केंद्र सरकार के पूर्वा अनुमति के, बिफोर द प्रियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई कांट स्टार्ट द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, नहीं कर सकता, प्राइमरी जांच भी नहीं कर सकता। ये तो गहन जांच करना तो बहुत दूर की बात है, बात की बात है। इसलिए कहा गया, हमारे सीजे ने कहा कि गहन जांच तो बाद की बात है, हमारी प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। कौन? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहां पर बहुत ही प्यारी बात कही गई, बहुत सुंदर बात कही गई है, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन इन द प्रोविजंस, जो भी भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको पकड़ने की प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए इस तरह के सेक्शन 6A लगाए गए। अधिकारियों का संरक्षण है तरह का ये भ्रष्ट अधिकारियों, क्योंकि बिना केंद्र सरकार के प्रियर अप्रूवल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं स्टार्ट कर सकती। गहन जांच यानी ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन इज इन ड्रीम्स, ये स्वप्न की बात है, बात की बात है, हम कहां करेंगे। लेकिन धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही गई, कहा गया कि धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्वा अनुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकती। गहन जांच तो बाद की बात है, दूर की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है, यह बात भी संवैधानिक पीठ ने कही, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। और क्या कहा, यह बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। क्या कहा जाए, ये बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती, पीठ ने कहा, बेंच ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जांच का लक्ष्य इन्वेस्टिगेशन
का जो जांच का लक्ष्य है, क्या है जांच का लक्ष्य, कि सच का पता लगाना, क्या है ध्यान दीजिए, इन इस इन्वेस्टिगेशन का गोल है कि ट्रुथ को निकालना, आइडेंटिफाई द ट्रुथ, सच का पता लगाना। जो कानून इस लक्ष्य के, जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है, जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वो आर्टिकल 14 के पैमाने पे खरा नहीं, पे खरा नहीं उतर सकता। आर्टिकल 14 का रिटार्डेशन करेगा ये, उसको कंट्रेडिक्ट कर, पूरा अपोजिट हो जाएगा, तो इसके सारे पैमाने को खरा नहीं उतर सकता, मतलब प्योरीफाई नहीं हो सकता, वो वेरीफाई नहीं हो सकता, वो पूरा कंट्रेडिक्ट करेगा हमारे आर्टिकल 14 को, जैसा कि नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष ऐसी चीजें, क्योंकि ये बताते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। बेंच ने कहा कि जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना, जो कानून इस प्रकार के लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वो आर्टिकल 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में, कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में समानता का नकार है, नकार, नकार का मतलब उसको नकार दिया गया है, मतलब वो सही नहीं है, निगेटिव है वो। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज होती है, हम स्टेट की चर्चा करते हैं, सेंट्रल की चर्चा कहीं नहीं करते, हम यूनियन की चर्चा करते हैं और स्टेट की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, हम यूनियन की बात करते हैं, एक संघ है, राज्यों का एक संघ, भारत राज्यों का एक संघ, इस तरीके से हमारी व्याख्या है। ऐसा डिस्क्राइब करते हुए हमारे संवैधानिक पीठ ने कहा कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। पेंच ने फिर से कहा कि जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना, जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वो आर्टिकल 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में समानता का नकार है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत सेक्शन 6A धारा 6 आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार, असरहीन है, इनका असर ही नहीं पता लगता। बहुत ही सुंदर व्याख्या चीफ जस्टिस द्वारा कही गई कि ये चीजों को बताते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। बेंच ने कहा जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना, जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है, वो आर्टिकल 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता, कानून का उल्लंघन हमारे राज्य में समानता का नकार है, नेग्लिजेंस ऑफ इक्वालिटी द आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत सेक्शन 6 से, मतलब धारा 6 अ, सेक्शन 6A और आर्टिकल 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे संवैधानिक कंट्रडिक्टेड जो भी हमारे नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, रिटार्ड करते हैं हमारे अपने ही प्रोसीजर्स को, हमारे अपने ही बनाए हुए इस संवैधानिक ढांचे को,
इस तरह की चीजें स्वीकार उक्ति पे नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस प्रकार के फैसले देने का निर्णय लिया और पीठ ने कहा कि सेक्शन 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है। इसीलिए सेक्शन 6A कहता है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। तो ये बात क्या है कि गहन जांच तो बहुत दूर की बात है। सेक्शन 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। सेक्शन 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है, मतलब ये ऐसा नेचर है कि जो ऐसा ये एक संरक्षण है, एक तरह का समझ लीजिए कि नियमों के बीच में भी एक संरक्षण भ्रष्टों के लिए, तो ये स्वीकार नहीं है। ये बताते हुए फिर से कह रही है पीठ की भ्रष्टाचार भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती। फिर से दोबारा दोहराया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कि जांच का लक्ष्य है सत्य का पता लगाना। जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है आर्टिकल 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में देश, राज्य और संघ, इन तीन चीजों का वर्णन हम सिर्फ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे राज्य में समानता का नकार है, नेग्लिजेंस, हम इसको नहीं मानते। इस तरीके का ये प्रमाणित है कि ये नकारात्मक की तरह से बिहेव कर, जस्ट लाइक नेगेटिव प्रॉपर्टी। आर्टिकल 14 के अंतर्गत सेक्शन 6A और आर्टिकल 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। ये असरहीन सा लगता है, नॉन इफेक्टिव, न्यूट्रल हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाल लिया, हम एक थोरो रिवीजन आपको दे रहे हैं इसी टॉपिक पे। आज का महत्वपूर्ण विषय रहा जिस पर कि हमने चर्चा की, आइए हम एक थॉरो रिविज़न ले लेते हैं इसी टॉपिक पर। बहुत ही ब्यूटीफुल ये डिस्कशन हमारी चल रही है, आइए इसी पर एक और थॉरो रिविज़न लेते हैं। थॉरो रिविज़न और ले लेते हैं, हम देखते हैं कि क्या कुछ हम इस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो और लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना, पूर्वानुमति का प्रावधान, प्रोविजंस और प्रियर अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आगे कहते हुए कहा कि सेक्शन 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। गहन जांच करना तो बाद की बात है। सेक्शन 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है, भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। ये बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती, बेंच ने कहा कि जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना। जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वो आर्टिकल 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राज्य में समानता का नकार है। किसका? समानता का नकार है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत सेक्शन 6A आर्टिकल 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है। तो ये सारी बातें क्या कंट्रडिक्ट हो जा रही हैं, इसलिए हमारा जो संवैधानिक ढांचा बना है उसमें कहीं पर वो चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं, वो इसके महत्व को नहीं प्रमाणित कर पाती। इसका महत्व कहीं हमें महती भूमिका में नहीं दिखता है, हमेशा नकार, समानता का नकार, नकारात्मक, अप्रभावी, कमजोर सा प्राविधान समझ में आता है। इसलिए इस पर चर्चा करने की जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, जिसमें की चीफ जस्टिस ने अपना ये महत्वपूर्ण विचार रखा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। कुछ वैकेंसीज भी आई हुई है, इसको देख लीजिएगा। आरओ की लास्ट डेट पड़ गई है,
यूपीपीएससी यूपी आरओ आरओ की लास्ट डेट पड़ गई है 24 नवंबर 2023, और ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम की डेट फिर से पड़ गई। बच्चों जिसने भरा है वो देख लीजिएगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल की प्रीय डेट थी 3 दिसंबर 2023, लेकिन अब ये नहीं है, अब 10 दिसंबर 2023 ने कहा है कि हम अपने प्रोसीजर को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हम अपनी क्वालिटी को किसी भी तरीके से वीक नहीं होने देते, इसलिए हम समय दे रहे हैं फॉर्म भरने का, तैयारी का। आपको इस बात में अच्छी लगी बीसीआई की, बीसीआई ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट असिस्टेंट गूगल के प्लेटफॉर्म पे डाला है जो कि हम आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर तक आपकी डेट बढ़ गई, एआईबी का एग्जाम 10 दिसंबर को होगा, और रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यूपीपीएससी यूपीपीएससी वेबसाइट पे फॉर्म भरा रहा है। ये आपका 24 नवंबर 2023 तक इसका डेट पड़ गया है, और स्टाफ नर्स यूपी स्टाफ नर्स का एग्जाम जो है 24 नवंबर को रखा गया है। आज ही न्यूज आई, स्टाफ नर्स का जो फॉर्म भरा गया था यूपीपीएससी से उसकी भी डेट आ गई है, उसको भी आप देख लीजिएगा, गूगल पे कंफर्म कर दीजिएगा डेट। स्टाफ नर्स एग्जाम जो भी भरे हैं विद्यार्थी, वो स्टाफ नर्स की डेट आ गई है, और यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ ओटीआर भरने की भी डेट 24 नवंबर तक हो गई है यूपीपीएससी की, इसको भरते रहिए आप, ओटीआर चलता रहेगा। और आर ओ आर ओ का फॉर्म आप भर लीजिए, 322 वैकेंसी प्लेन ग्रेजुएट के लिए है, टोटल 411 वैकेंसी है, जिसमें कुछ एआरओ की वैकेंसी है। यूपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आर ओ आर ओ का एग्जाम एक्सपेक्टेड, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, मैं बता दूं आर ओ आर ओ का एग्जाम जनवरी लास्ट या फेब के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाला है। तो जनवरी मान के चलिए आप, जनवरी में एग्जाम होगा आर ओ आर ओ का, ये कंफर्म तैयारी कर लीजिए, एक दो दिन या तीन दिन में कैलेंडर आ जाएगा। एक्सपेक्टेड हमारे पास एक एक्सपेक्टेड कोई सोर्स से न्यूज मिली है, वो कैलेंडर भी मेरे पास है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी में। आप देखिएगा कॉम्पिटेरिया की कम्युनिटी में हम कैलेंडर डाल देंगे, आज मेरे पास एक्सपेक्टेड कैलेंडर मिल गया है, कम्युनिटी में आपको मिलेगा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, आज मैं इसको अपलोड कर दूंगा 2023 का। कुछ एक दो एग्जाम की डेट आ गई है वो मैं बता दूंगा, आप लोग वैसे जान जाएगी, दो तीन दिन में सबको दिख जाएगा, ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। तो रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की तैयारी के लिए 10 नंबर की अर्थमेटिक आएगी उसको तैयार कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसको तैयार कर लीजिए, 60 नंबर की हिंदी आएगी, 10 नंबर का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है देख लीजिएगा, प्रीत में ही रहेगा, मेंस में भी रहेगी हिंदी। इस तरीके से 2 सीटिंग का एग्जाम होगा, अच्छे से दीजिए, 140 नंबर का जीएस, 60 नंबर की हिंदी, 200 नंबर का पेपर होता है। क्वालिफाई होने के लिए आप लोगों को कम से कम मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ 110-120 के लगभग में आपको 200 में से आना पड़ेगा, तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस लिखिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है यूपीपीएससी आर ओ आर ओ में, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, आर ओ में कुछ नहीं है, प्री मेंस सिलेक्शन डीवी करा के सिलेक्शन लीजिए, ए आर ओ में टाइपिंग टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, एक टाइपिंग आपको करनी है, 2 टाइपिंग कर देंगे तो आपको प्रोफिशिएंसी मिलेगी कि आप बेस्ट हैं, ये देख लीजिएगा जैसा आयोग तय करे, लेकिन आरओ में कोई टाइपिंग नहीं करनी है आपको। इस तरीके से रहा, और भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हैं उनको आप देख लीजिएगा। आज मैं अमर उजाला देख रहा था, अमर उजाला जो अभी कल का पेपर था, आज तो पेपर नहीं आया है, उसमें मैंने कई वैकेंसीज देखी, आप देखिएगा अमर उजाला का पेपर जॉब कॉलम में, उसमें भी अमर उजाला में भी अच्छी अच्छी जॉब्स निकली है। एक और महत्वपूर्ण वैकेंसी जो कि हमने कम्युनिटी में शेयर कर दी है, एमईएस की वैकेंसी आई है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें कई प्रकार की मेडिकल पैरामेडिकल नॉन पैरामेडिकल स्टोर कीपर कारपेंटर ऐसे करके कई हजार, कम से कम 26,514 समथिंग ऐसे एक्सपेक्टेड जो है वैकेंसीज आई हैं, 26,000-27,000 के लगभग, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये तो मैंने गूगल में देखा था। एमईएस में भी वैकेंसी आई है मैक्सिमम, और अगर आपको आगामी अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो केवीएस में भी, चपरासी की चौकीदार की, टीजीटी की, पीजीटी की, और असिस्टेंट कमिश्नर की, प्रिंसिपल की, सारी वैकेंसीज आने वाली हैं केवीएस में, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और यूपी का भी जो डीएलएड है उनके लिए आने वाली है यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी, वो डीएलएड वाले भी तैयारी रखे हैं, जेबीटी डीएलएड लेगा इसमें, इस बार बीएड नहीं लेगा। आज का सेशन यहीं तक, आप सभी लोग को
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गोवर्धन महाराज, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। आप सभी लोग का उज्जवल भविष्य बना रहे। आप सभी लोग आशा है कि अच्छे से गोवर्धन पूजा दीपावली के फेस्टिवल को एंजॉय किए हैं। कुछ ऐसे उड़ती न्यूज मुझे मिली है कि वीडियो री एग्जाम का भी रिजल्ट अभी गूगल पे मैं देख रहा था, अभी वेरीफाई नहीं, मैं बताऊंगा आपको। वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट शायद अब आने वाला है। लोकसभा के इलेक्शन आप जान ही रहे हैं 2024 के बारे में, उसके पहले वो रिजल्ट आना ही आना है, तो 100% है। तो अभी कुछ गूगल फॉर्म्स पे, गूगल न्यूज पे चल रहा है, मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, वीडियो री एग्जाम रिजल्ट। हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम, ध्यान दीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम का जो रिजल्ट है, पेट एग्जाम जो 2023 हुआ है, इसका आपका रिजल्ट जो है ये फर्स्ट वीक दिसंबर में आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में। कभी भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में, कभी भी आ जाएगा, ये अनाउंस हो चुका है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। और एमपीपीसीएस की डेडलाइन हो ही गई, आपको पता ही है, एमपीपीसीएस का एग्जाम ध्यान दीजिएगा, एमपीपीसीएस का एग्जाम सो मत जाइएगा आप लोग, एमपीपीसीएस फॉर्म बड़े लेट से भरा जा रहा है, लेकिन उसका एग्जाम 17 दिसंबर को होगा, ध्यान दीजिए 17 दिसंबर 2023 को आपका एग्जाम होगा एमपीपीसीएस का। पिछला एमपीपीसीएस में मैं बैठा था एग्जाम पेपर देखने के लिए, काफी अच्छा पेपर था पिछला एमपीपीसीएस का एग्जाम में, पेपर में मैं पेपर देखने के लिए बैठा था, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे जरूरी है मैं देख लेता हूँ किसी एग्जाम में बैठ के पेपर भी। तो एमपीपीसीएस जो प्री एग्जाम है 2023, ध्यान दीजिएगा, अभी 24 की भी वैकेंसी आएगी। एमपीपीसीएस का कैलेंडर मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। एमपीपीसीएस 2024 का एग्जाम भी मेरे ख्याल से 26 अप्रैल को है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो डेट बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, 26 अप्रैल के लगभग है एमपीपीसीएस 2024 का एग्जाम। इसके भी फॉर्म आ जाएंगे जनवरी या फरवरी में। 26 अप्रैल को एमपीपीसीएस 2024 भी है और 2023 एमपीपीसीएस का एग्जाम है अभी 17 दिसंबर को, इसके लिए लग जाइए। 10 दिसंबर को ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम, 10 दिसंबर ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम, ये लॉ जुडिशियरी एडवोकेट से फील्ड से जुड़े उनके लिए। और एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन 3 स्टेट को दी, किसको, एमपी को, आप सिविल जज का फॉर्म निकालिए, और किसको दी, तमिलनाडु को, या सिविल कोर्ट में जज का फॉर्म निकालिए, और तीसरा इन्होंने दिया हरियाणा, हरियाणा कोर्ट को, आप भी सिविल कोर्ट में क्या करिए, जज का फॉर्म निकालिए। खैर हरियाणा वाला फॉर्म तो मैं भी भरूंगा, तो इसमें आपका हरियाणा में 42 साल उम्र होती है, देख याद रखिए, और तमिलनाडु में भी 40 साल होती है चेन्नई, और ये एमपी का जो मेरे ख्याल से ये शायद 35 या 37 है, देख लीजिएगा। तो चूंकि ये फॉर्म आएगा 15 दिन के अंदर, ये फॉर्म आएंगे विद इन 15 डेज, लेकिन एक मंथ मान के चलिए विद इन 15 डेज, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1 महीने के अंदर किसी भी हालत में जूनियर डिवीजन जजेस के वैकेंसीज के फॉर्म आ जाएंगे, कंफर्म है ये, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसको वो डिनाइड नहीं कर सकते, उनको 1 महीने के अंदर क्या 15 दिन की नोटिस मिली है 3 स्टेट को। आप गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म्स में ये आ रहा है न्यूज, मैंने वहीं से देखा था, हरियाणा को, एमपी को, तमिलनाडु को स्ट्रिक्टली फोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने यहाँ सिविल कोर्ट में जूनियर डिवीजन जजेस को भरो, जल्दी भर्ती करो। तो जुडिशियरी के फील्ड से जो इंटरेस्टेड हैं, एलएलबी कर रहे हैं बच्चे, कर चुके हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है अपनी स्टेट बार काउंसिल में, उसकी जरूरत हो सकता है पड़े, हो सकता है ना पड़े फॉर्म में, जो भी इन तीनों स्टेट में डिसाइड करेंगे, अभी तो मैंने फॉर्म देखा नहीं, पिछले साल का देख लीजिएगा इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल के। तो ये जो भी जुडिशियरी में करियर बनाना चाहते हैं, ये जुडिशियरी के फॉर्म आएंगे, प्री मेन और इंटरव्यू होते हैं। आज का सेशन यहीं तक, खूब भारी मात्रा में लेक्चर को लाइक कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, कॉमजेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉमजेरिया का, स्टडी सिलेक्शन तक, हम आपके साथ हर मोड़ पे, हर कदम पे, शिक्षा के हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे, कदे से कदम मिलाकर निश्चित ही आपके साथ होंगे, आपके उज्ज्वल भविष्य की और सफलतम कैरियर की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन तक।